नमस्कार। ममता ममता की स्थालिका से, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में पनीर यूज करना सिखाया, बहुत सारे लोगों की फरमाइश आई है कि मैम पनीर बनाना भी बताइए। तो आज मैं आपको बताती हूँ, पनीर हम बाजार से लेकर आते हैं, अच्छा होता है वो भी पनीर, पर हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट छोड़ आते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पनीर का, पनीर बनाने के बाद। तो सबसे पहले तो मैं आपको, ये मैंने पनीर ले लिया है, मैंने 1 किलो दूध लिया है फुल क्रीम, और इससे बहुत अच्छा पनीर बनेगा घर पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ घर में पनीर बनाने के फायदे क्या होते हैं। तो उससे पहले प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पनीर की रेसिपी, कैसे हम पनीर बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हम पनीर मार्केट से लेके आते हैं और घर में बनाते हैं, तो ये जो पनीर बनाने के बाद जो पनीर का पानी होता है, वाटर होता है, वो सबसे ज्यादा मिनरल और प्रोटीन से लोडेड होता है। उसे हम वे प्रोटीन भी कहते हैं। बच्चे एक्सरसाइज करते हैं तो आर्टिफिशियल प्रोटीन लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, पर यदि हम इसे प्रोटीन शेक की तरह भी पिएंगे तो ये बहुत अच्छा है हमारी मसल्स के लिए, हमारी मसल्स को मजबूती प्रदान करता है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। किसी का यदि ब्लड प्रेशर हाई है तो वो यदि इस पानी को ले तो ये बहुत ज्यादा हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं। हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, जो पनीर का पानी होता है वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे ब्लड को भी थिन करता है, ब्लड को भी पतला करता है, जिससे कि हमारे को ब्लड थिक होने के चांसेस नहीं होते। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ लेडीज और गर्ल्स के लिए, ये हमारे लिए बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा कंडीशनर है। बालों में आप शैम्पू करिए, शैम्पू करने के बाद में इस प्रोटीन के पानी से वॉश कीजिए और उसके बाद फिर वॉश कर लीजिए, बालों के लिए बहुत अच्छा कंडीशनर है। तो बहुत सारी बात ना करते हुए फटाफट मैं आपको पनीर बनाना बताती हूँ। मैंने बहुत सारी इम्पोर्टेंट नॉलेज दे दी है पनीर के पानी की, बाद में मैं बताऊंगी पनीर बनाना। देखिए और ध्यान से बनाइए, आपका बहुत अच्छा पनीर बनेगा, मैं कभी बाजार से नहीं लेती, और इसको मैं बाद में बताऊंगी पनीर बनाने के बाद कि आप इसको यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए क्या देखते हैं। ये मेरा 1 किलो दूध है फुल क्रीम, ये देखिए मेरा फुल क्रीम दूध है, मलाई भी इसी पे है। ये मेरे नींबू थोड़े छोटे थे, 3, तो मैंने 3 नींबू लिए हैं, ये देखिए 3 नींबू का मैंने जूस निकाल लिया है। और ये मैंने थोड़ा सा ल्यूक वॉर्म वाटर लिया है, ऐसे आप उंगली डालिए तो थोड़ा ठंडा हो गया, मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने पानी थोड़ा सा ल्यूक वॉर्म वाटर ले लिया है, ऐसे डाल के देखिए आपकी फिंगर उसमें मतलब उसे बर्दाश्त कर सके पानी को। अब इसमें ये 3 नींबू का जूस है, ये मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। यदि आपके पास बड़े नींबू है तो आप 2 का भी जूस ले सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि जब आप, अब देखिए ये मेरा पानी में मैंने 3 लेमन मिक्स कर लिए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टिप बताती हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि इसे हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और जो कड़छी चलाएंगे वो 1-साइडेड चलाएंगे और बहुत स्लोली स्लोली चलाएंगे। ये देखिए बहुत स्लोली स्लोली, ये देखिए बहुत स्लोली स्लोली आपको करना है, बिल्कुल अलग हो जाएगा आपका पनीर और इतना सॉफ्ट बनेगा, बहुत सॉफ्ट। अब देखिए मार्केट में 1 दिन बनता है, 1 दिन जमता है, जिस दिन बनाएंगे वो जमाएंगे भी रात तक, अगले दिन मार्केट में आता है, तो आप कितना भी फ्रेश लाओ 1 दिन पुराना तो है ही ना। और ये देखिए वाह, ये देखिए आपका पनीर कितना बढ़िया तैयार हो गया। इस और ये जो पानी है ना, इसमें बहुत ज्यादा मिनरल और प्रोटीन से लोडेड है, इसको तो आपको बिल्कुल नहीं फेंकना है। सबसे इम्पोर्टेंट, पैसे देने के बाद भी हम इसे
ये देखिए कितना बढ़िया मेरा पनीर बना है और एकदम सॉफ्ट एकदम फ्रेश। ये देखिए अब बस हम इसे छान लेते हैं। एक आप मलमल का कपड़ा लीजिए, आप एक कोई भी कपड़ा ले लीजिए मलमल का, मेरे पास ये कॉटन का कपड़ा है किचन का। तो अब हम इसको छानते हैं। दिखाओ छानना। ये देखिए एकदम रेडी है मेरा पनीर। ये देखिए कितना बढ़िया, आप ये देखिए, ये देखिए एकदम सॉफ्ट। अब हम इसे क्या करेंगे, अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट, अब इसको हम ऐसे करके राउंड बनाने के लिए और ये अच्छा हो जाए मतलब इकट्ठा हो जाए, इसके लिए हम इसे इसी में दो तीन बार। और अब हम इसको थोड़ा सा ठंडे पानी से क्लीन कर लेंगे। देखिए ये मेरा पनीर बनके एकदम रेडी है। अब इसको हम हल्का सा ऐसे करेंगे और इसको हम चॉपिंग बोर्ड पे रख देते हैं हल्का सा और इसको हम जमा देते हैं। देखिए मैं ये चकले से जमा रही हूँ, किसी भी भारी चीज से आप जमा के रख दीजिए, ये एक डेढ़ घंटे में आपका पनीर बहुत बढ़िया बन जाएगा। ऐसे जमा देंगे तो ये पनीर आपका रेडी हो जाएगा। बहुत सारे लोग टाटरी से भी बनाते हैं। और देखिए ये हमारा जो पानी बचा है पनीर का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए ये देखिए कितना सारा है, इसे आप बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखिए कितना सारा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। पनीर तो आप खाते हैं प्रोटीन मिलता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे आप प्रोटीन शेक की तरह लीजिए, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के सॉल्ट डाल के उसकी तरह लीजिए। नंबर वन यूज इसको प्रोटीन शेक की तरह यूज कीजिए। नंबर दो आप इसे आटा गूंदने में, आटा गूंदिए इसका बहुत अच्छा बनेगा। भटूरे बनाने हैं आपको, आप इसको इसी पानी से आप बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा। तीसरी बात, इसे आप ढोकला बनाना चाहते हैं, खट्टा ढोकला, जो कि मैंने एक वीडियो में अभी आपको बताया है, तो ये खट्टा ढोकला आप इससे बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा। नेक्स्ट आप इससे कढ़ी बनाइए, जितना आपको मट्ठा लेना है मट्ठा लीजिए, या दही लेना है दही लीजिए, और उसके बाद इस पानी की जगह आप इसको यूज करिए, बहुत अच्छी आपकी कढ़ी बनेगी। नेक्स्ट वेजिटेबल स्टॉक के रूप में आप इसे यूज कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेजिटेबल स्टॉक की जगह ये पूरा प्रोटीन और मिनरल से लोडेड वाटर यूज कीजिए। सब्जियां बनानी है आपको, सब्जियां बनाइए उसमें, सब्जी में यूज कीजिए, आप दाल में यूज कीजिए, ये बहुत अच्छा, बहुत मतलब इसको आप एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं कर सकते। और करीब एक किलो फुल क्रीम दूध में 200 ग्राम के लगभग मेरा पनीर निकल के आता है। और ये इंपॉर्टेंट पोर्शन फुल क्रीम दूध में से ये इंपॉर्टेंट पोर्शन भी मुझे और मेरी फैमिली को मिलता है। तो पनीर की बहुत सारी डिशेस मैं बताऊंगी, इसीलिए मैंने पनीर बनाना आपको बताया। तो प्लीज प्लीज इतना ही प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए पनीर की डिश के साथ। आगे फिर मिलती हूँ आपको, नमस्कार।